हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, सेलिब्रिटीज हु केयर। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेलिब्रिटीज जो सबसे ज़्यादा देखभाल करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं हमारे, तो उन्हीं के बारे में हम रीड करते हैं कि वो क्या हैं, किस लिए सेलिब्रिटीज़ हैं और क्या वो केयर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, दिस फेमस एक्टर डायरेक्टर इज़ रिगार्डेड एज अ मैसेंजर ऑफ पीस फॉर राइजिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्राइसिस इन डारफर सुदान। ठीक है, ये जो सेलिब्रिटी हैं, ये प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशकों को लोगों के लिए मैसेंजर ऑफ पीस माना जाता है। दुनिया भर में डारफर सुडान और इनमें संकट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने गए हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है, जॉर्ज कुलूनी। सेकेंड इज़ ए लीडिंग एक्ट्रेस इन इंडियन सिनेमा, सी इज सपोर्टेड ऑफ द राइट ऑफ द स्लम ड्वेलर्स, सी वॉज हैज आल्सो कैंपेनिज्ड ऑस्ट्रोसाइजिंग द विक्टिम्स ऑफ एड्स। देखिए, ये भारतीय सिनेमा में एक अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया था जो, जैसे कहते हैं झुग्गियों में जो निवासियाँ लोग रहते हैं, उनको उनके अधिकार के लिए, उनके अधिकार के एक समर्थक है वो, ठीक है, वह एक उन वो एड्स से पीड़ित लोगों को, जो बहिष्कार है, जो पीड़ित थे, का अभियान चलाया था, ठीक है। तो वो कौन थे आपकी, शबाना आज़मी। नेक्स्ट, दिस एक्टर हैज़ स्टेयर्ड इन मेनी मटेरियल इन मेनी मार्शल आर्ट्स फिल्म सच एज रश हॉवर्स एंड कराटे किड एंड हैज़ बी क्वेटेड हाफ हिज एसेस टू चैरिटी इन हिज विल विच एस्टिमेटेड टू बी एट $64 मिलियंस। देखिए, ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे आपका रस हॉवर्स और कैराटे किड है, और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी इच्छा से दान दे दिया है, जो $64 मिलियन का अनुमान है, ठीक है। तो इनका नेम क्या है, जैकी चैन। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ द हेड सिंगर फॉर द बैंड U2 एंड हैज़ आल्सो बीन अ नॉमनी फॉर हिज नोबल पीस प्राइज। ही हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व द कैंपेन टू रिड्यूस डेब्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज कैंपेन फॉर द एड्स अवेयरनेस। देखिए, ये जो है, यह बैंड U2 के प्रमुख गायक हैं, ठीक है, और नोबेल शांति के लिए नामांकित भी रहे हैं उनके पुरस्कार के लिए। वह विकास के लिए, ऋण को कम करने के लिए अभियानों में से सक्रिय रूप में शामिल रहे हैं, और देशों के साथ साथ एड्स जागरूकता के लिए भी उन्होंने अभियान चलाया है। तो ये आपके कौन पर्सन है, उनका नेम है बोनो। नेक्स्ट देखिए, दिस क्वीन ऑफ पॉप म्यूजिक एंड फिलैंथ्रोपिस्ट इज डिनोटेड डोनेटेड टाइम एंड मनी टू ऑर्गेनाइजेशन सच एज द फ्रेश एयर फाउंड विच प्रोवाइड फ्री समर वेकेशन टू न्यूयॉर्क सिटी चिल्ड्रेन फ्रॉम लो इनकम कम्युनिटीज़। देखिए, ये जो हैं, ये पॉप संगीत की एक रानी के रूप में परोपकारी रूप से इन्होंने समय और पैसा दान किया है, और ये एक फ्रेश एयर जैसी संस्था मिली है जो न्यूयॉर्क सिटी में मुफ्त गर्मी की छुट्टियां प्रदान करती हैं, और कम आयु वाले समुदाय के लोग भी, न्यूयॉर्क शहर के जैसे बच्चे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये आपकी कौन है, ये आपकी कौन है, इनका नेम है मारिया क्रे। नेक्स्ट, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड ही ओन माइक्रोसॉफ्ट एंड हैज सेट अप NGOs ऑल ओवर अफ्रीका। ये जो हैं,
ये दुनिया के इतिहास में सबसे सफल उद्यमियों में से, सफल इंटरप्रेन्योरशिप में से एक हैं, जो एक मालिक है माइक्रोसॉफ्ट के, और पूरे अफ्रीका में एनजीओस भी इन्होंने स्थापित किया है, इसलिए इनका नेम क्या है, बिल गेट्स। दिस कोलंबियन सिंगर हुज सॉन्ग्स इंक्लूड डोका हैज सेट अप अ फाउंडेशन टू हेल्प स्कूल चिल्ड्रन विद देयर एजुकेशन इन इन हर ऑफ होमलैंड। ये कोलंबियन के सिंगर हैं, ठीक है। इन्होंने जिन गीतों में डोका शामिल है, तो स्कूल की मदद के लिए एक फाउंडेशन स्थापित किया है, और अपनी मातृभूमि में शिक्षा के साथ खुद होमलैंड एजुकेशन इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी ही मातृभूमि में, इसलिए इनका नेम क्या है, सकीरा। तो ये तो कुछ पर्सन्स थे, सेलिब्रिटीज थे, जो जिन्होंने कुछ केयर किया था, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर था आपका। तो इनके बारे में भी समझिएगा कि किस पर्सन ने क्या कैसे किया था। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।